वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी के टारगेट प्लेयर्स के बारे में। देखिए आप लोगों को आईपीएल का ऑक्शन बहुत ही जल्द दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा, वहीं पे मैं बताने वाला हूँ कि आरसीबी को कौन से प्लेयर के पीछे जाना चाहिए आईपीएल के मिनी ऑक्शन में। देखिए अगर आप आरसीबी की अभी स्क्वाड देखोगे तो उसमें बैट्समैन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं पर बॉलर्स और ऑलराउंडर की थोड़ी कमी नजर आती है, जो कि लो ऑर्डर में आके अच्छी खासी बॉलिंग कर सके और ठीक ठाक बैटिंग कर सके। आपके पास अगर बॉलर्स में जाओगे तो आपके पास देखने को मिलेंगे मोहम्मद सिराज और ऋषि टोपली। तो मेरे हिसाब से इनकी जगह पे आरसीबी को एक पैट कमिंस टाइप के प्लेयर की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए पैट कमिंस अगर आरसीबी की टीम में आते तो मेरे हिसाब से जो जरूरत देखा जाए नंबर 8 और नंबर 9 पे आप लोगों को जैसे प्लेयर की जरूरत है वहां पे पैट कमिंस परफेक्टली फिट नजर आते हैं। देखिए पैट कमिंस के पास अच्छी खासी बैक ऑफ पेस लेंथ के साथ वो बॉलिंग करते हैं, वहीं पे बैटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव है उनकी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि शायद 14 बॉलिंग 50 भी उनके नाम है आईपीएल में। जी हां, जो कि केएल राहुल के नाम पे थी और अब भी आप लोगों को देखने को मिलेगी पैट कमिंस, जो कि उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाई थी। तो बैटिंग से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं, तो आप आराम से उन्हें दिनेश कार्तिक तो आएंगे नंबर 6 पे, तो नंबर 8 या नंबर 9 के लिए आप पैट कमिंस को रख सकते हैं। वहीं पे आपके पास बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। देखिए आपके पास मोहम्मद सिराज हो जाएंगे, फिर आपके पास पैट कमिंस से टोपली हो जाएंगे, फिर एक आध आप इंडियन बॉलर भी टारगेट करोगे ऑप्शन से। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक, और आप लोग देखिए हर टीम में ऐसे कुछ ना कुछ बॉलर होने चाहिए जो अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हो। आपने अगर इंटरनेशनल साइड पर देखे होंगे जो भी, जैसे कि इंग्लैंड की टीम हो गई, इंग्लैंड की टीम में सब लोग 1 से लेकर 11 तक सारे के सारे बैटिंग कर सकते हैं, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे वो कुछ भी ऑलराउंडर्स हो। और अगर आप लोग देखोगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिसने अभी वर्ल्ड कप जीता है, उनके भी 1 से लेकर नंबर 11 तक सबके सब बैटिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आरसीबी को ऐसे बॉलर्स को ही टारगेट करना चाहिए जो अच्छी खासी बैटिंग से उन्हें सपोर्ट दे सके, क्योंकि देखिए 14 मैचेस में कोई सा ना कोई सा एक दिन ऐसा आएगा जहां पे आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा, वहां पे आप लोग को अपने मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर से कुछ रन की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग को पैट कमिंस के पीछे जाना चाहिए, बेस्ट चॉइस रहेंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो।